गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों सार्थक की जो पीटीएम थी तो हम लोग तो नहीं जा रहे हैं अब, क्योंकि पता चला है कि वहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है, तो कैंसिल हो गया हम लोगों का जाना। यहाँ मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। बच्चे बोल रहे हैं कि पराठे बनाओ गोभी के, तो फिर मैं उसकी तैयारी कर ली है, बस अब बना रही हूँ। दोस्तों नाश्ता आज ऊपर ही लेके आए हैं, कपड़े धोए इतने सारे तो सुखा के, उसके बाद नाश्ता यहीं कर रहे हैं छत पर बैठ के। छत पर बैठ के भी नाश्ता करने में मज़ा आता है, वैसे खुले में अच्छा लगता है। तो आज मेरा छत का आनंद लिया जाए नाश्ते का। तो पराठे बनाए हैं, गोभी के पराठे और चाय और अचार। पहुँचे अमरूद लेने। जैसे बाहर लगाए ना अच्छे ना हो जो वाला उनके यहाँ पे हो ही जाने चल रही है मोमोज पार्टी। वाह भाई, अरे इसका बहुत देर से मन कर रहा था, शवन भी आना मन था, शवन का ज्यादा मन था आज तो। भाई मोमोज मोमोज पार्टी चल रही है, मोमोज पार्टी चल रही है। और विवान कितने खाएगा? एक एक ये और एक और एक स्टीम और फ्राई। ओके ओके ये बढ़िया है। काफी दिन से मोमोज मोमोज मोमोज, दीपावली की मिठाइयां और वो खत्म होने के बाद आगे इनके मोमोज। चटनी तो उसे चाहिए नहीं ना, इसको चटनी नहीं चाहिए, वो तो विदाउट चटनी वाला है। सोट चाहिए मीठी। ये सोट वाला है। अभी दे रही जाओ, एक बार ठीक है खा के देख ले, मजा आ जाएगा बेटा, मजा आएगा, खाएगा नहीं। हो गए शुरू, मजा आ रहा है। ये किससे खा रहे हैं? मीठी चटनी से, सॉल्ट। मीठी चटनी सॉल्ट, ये पसंद नहीं खाता ना तीखा। उनके भाई इतने जीव पानी दे रही थी कि इतने दिन से हमने खाए नहीं मोमोज। हम मोमोज कम ही खिलाते हैं बच्चों को, लेकिन सोयाबीन के लगभग 3-4 महीने बाद आए होंगे, तो इनका मन बहुत ज्यादा मन कर रहा था, कहते हैं ना बहुत ज्यादा वाला, वो वाला कर रहा था इनका मन। ये नुकसान करते हैं बहुत ज्यादा। ओहो तब भी खाते हैं हम, हैं कभी कभी खाते हैं, कभी कभी के लिए तो ठीक है, कभी कभी खा सकते हैं। और क्या, इधर दोस्तों खाना बन गया है और सबको खिला दिया खाना, घर में सब लोगों ने खा लिया। बच्चों ने तो मोमोज वगैरह खाए थे तो खाना नहीं खाया, मम्मी पापा ने खाना खा लिया। उसके बाद पतिदेव आए किचन में और देखा कि लौकी की सब्जी बनाई है, तो फिर बोल रहे कि ना ऐसा करो मेरे लिए तो चावल चढ़ा दो, मतलब किचन विचन साफ करके मैं चली गई, खाना भी तैयार कर दिया। उसके बाद याद आई है पतिदेव को कि मेरा तो बहुत मन कर रहा है चावल खाने का लौकी की सब्जी से, तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ाए हैं। मैं उनको बोल रही हूँ पहले ही देख लेते कम से कम, तो मैं पहले बना देती। तो इधर मैंने बना दिए हैं, इधर चढ़ा दिए हैं अभी, तो थोड़ी बस यार 5-10 मिनट बन ही जाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ घट गई अभी एक घटना, अभी बताया हुआ इन्होंने चावल बनने मेरे लिए, मेरा मन कर गया था, तब तक मैंने सोचा कुछ वैसे ही खा लूं। कुछ खा लेता हूँ।
मेरे काजू और मिश्री खाने का मेरा मन किया तो बच्चों को लेके मैं बैठ गया। मैंने इसमें बहुत सारे काजू रखे और खा लिए। जब वो थोड़े से नीचे इस डिब्बे के नीचे जब लास्ट में बचे तो उसमें मुझे दिखे छोटे छोटे कीड़े। हाय मैं तो खा चुका था, बच्चों से ले लिए, बच्चों ने तो नहीं खाए, एक दो पीस खाया हुआ। सेहत बन गई, मैंने बहुत सारे खा लिए, बन गए मेरे, ये कह रहे सेहत बन गई। अब ये धोए जा रहे हैं, काजू को धो रही हूँ। अब ये धो, मैंने कहा भैया धो, इन्हें पूरा भरा था तो इसका फिर कुछ बना देंगे। हाँ कुछ बनेगा, आप देखते हैं क्या बनता है। वैसे कीड़ा नहीं था, सिरोरी टाइप की थी। हाँ जो हो जाती है मोस्टली वही जाती है, सब घरों में सब जाती है। खा, खाई होंगी, सिरोरी दिखती है। अरे वो टीवी देख रहे थे ना तो वो सिरोरी तो नहीं गई होगी, अब पता नहीं गई होगी तो अंदर शेर बना देगी आपके लिए। अब नहीं चाहिए, नहीं ये तो वैसे ही निशान है इसका, वो नहीं है तो बहुत सारी। ये बोलते कि ये ना थोड़े से खिलाओ तो भी कीड़े में पड़ जाते हैं, कीड़े काजू में हमेशा पड़ते हैं, काजू हमेशा पड़ते हैं। लेकिन चलो ठीक है, अब धो लिए तो अब यूज हो जाएंगे, कुछ और बन जाएगा, देखते हैं क्या बनता है, रेसिपी देखते हैं, बताएंगे वो भी रेसिपी। ठीक है, तो मेरे चावल बन रहे हैं, मेरा आज बहुत मन कर रहा है सब्जी देख के। मैंने कहा अरे चावल बन रहे हैं, वही सबने खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया, किचन में नहीं आया। मैंने खाना था मेरे लिए, पापा के लिए बनाए, सार्थक शगुन विवान और इनकी मम्मा और मेरी मम्मा, इन सबने मोमोज खाए हैं आज, सबकी पार्टी हुई है, दादी से लेके पोतों तक सबकी पार्टी हुई है मोमोज की। मैंने और पापा ने नहीं खाए, बाकी सब ने खाए। तो खाना बना था तो हम दोनों के लिए बना था, पापा और मेरे लिए बना तो सबका, सब्जी तो सबके लिए बनी, सब्जी सबके लिए बनी थी। लेकिन सब्जी देख के मेरा मन करा कि चावल खाने चाहिए, इससे तो मजा आएगा कुछ अलग। हाय हाय लौकी की सब्जी से मैंने एक बार खाए थे बहुत पहले, मैंने भी खाए थे। हाँ तो बड़ा मेरे को याद आ गया वो वाला टेस्ट, मैंने कहा यार बनाओ बनाओ। तो अभी मैं बैठा हूँ खाने के इंतजार में, तो खाने के इंतजार में काजू खा लिए मैंने कीड़े वाले। फिर देखते हैं क्या बनता है इसका। अभी तो नहीं कुछ बना रही हूँ, आप सुबह बनाएंगे? नहीं अभी नहीं, जब तक थोड़ा सा वो ड्राई हो जाएंगे तो फिर बना देंगे। जब तक मेरे चावल बन रहे ये चावल। हाँ दोस्तों हो गए चावल तैयार और लेके जा रहे पति देव के पास, भूखे बैठे हैं अभी। कैसा लग रहा है? अभी तो मैंने बहुत सब्जी से खाई नहीं यार, ऐसे साथ में पानीपत का फेमस अचार। हाँ बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है वहाँ का अचार, यहाँ नहीं मिलता वो वाला, यहाँ पे और मिलता है वो भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ का ये बहुत फेमस अचार है, बहुत दूर दूर तक जाता है, लेकिन हमारे अलीगढ़ में नहीं आता। जो मैं फील कर रहा था वही टेस्ट है। वैसे भी लौकी की सब्जी पसंद है इनको, बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती ना, इनको पसंद है। इनको देख के मेरा ही मन कर गया खाने का, मैं भी गया थोड़े से साथ में खाएंगे दोनों बैठ के। मैंने भी थोड़े से खाए लौकी की सब्जी के साथ, सच में ही बहुत टेस्टी हैं। मैंने सेकंड टाइम खाए हैं ऐसे, एक बार और खाए थे तो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन आज फिर इनका पति देव का मन किया तो दोबारा से बार खा लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अरे क्या हुआ, ब्लॉग अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना।